गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे आसान केक, जिसे बनाने के लिए ना हमें किसी मोल्ड की ज़रूरत है, ना अवन की ज़रूरत है, ना हमें कंडेंस्ड मिल्क चाहिए, ना दही चाहिए, ना एसेंस चाहिए। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, बिना देर करते हुए झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे, जैसा कि हम आज इसे बिना ओवन के बनाने जा रहे हैं, तो हम कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने नमक डाल दिया है। इस नमक को मैंने पहले भी कई बार इस्तेमाल किया हुआ है, और साथ में मैंने इसमें रख लिया एक स्टैंड जिस पे हम अपना केक का मोल्ड रखेंगे। तो चलिए, हम इसे प्रीहीट कर लेते हैं 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अगर आप केक बनाते होंगे तो टूटी फ्रूटी जब आप बैटर में मिक्स करते हो तो वो तले पे जाकर बैठ जाती है। उसे प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ी चम्मच मैदा, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से टूटी फ्रूटी जब आप बैटर में मिक्स करेंगे तो वो तले पे जाकर स्टिक नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर की टूटी फ्रूटी ली है, आप चाहें तो आप इसमें कलरफुल टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। तो इसे भी हम एक तरफ रखते हैं, और यहाँ पे हम 1/2 कप चीनी को पीस कर तैयार कर लेंगे, जिसे हम रेसिपी में मिक्स करेंगे आगे। और जैसा कि हम इसे आज मोल्ड में नहीं बनाने जा रहे हैं, तो मैं इसे रेगुलर घर के कटोरदान में बनाकर आपको दिखा रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर तैयार कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से इस केक को घर पे बना सकते हैं। तो अब हम एक बड़ा सा बोल लेंगे, उसमें मैंने लिया है 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल। तो आपको भी ऐसा कोई ऑयल लेना है जिसका अपना कोई फ्लेवर नहीं हो। तो मैंने आज इस्तेमाल किया है राइस ब्रैन ऑयल। तो आप भी ऐसा ही कोई ऑयल ले जिसका अपना कोई टेस्ट ना हो। और इसमें हम डाल देंगे अब पीसी हुई पाउडर्ड शुगर, जो मैंने 1/2 कप चीनी को पीस कर तैयार कर लिया था। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक कि ये बैटर हमारा लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। तो तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए ज़रूर बीट करें, इससे केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफ़ी हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी का सामान मिक्स करते हैं। तो अब हम इस पर रखेंगे एक छलनी, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा। तो दोस्तों, आप इसे छलनी से छान कर ज़रूर सीव करें, मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इससे केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। और साथ में मैंने इसमें डाला है 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर। तो जो क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, तो हमें इसमें वनीला एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें वनीला फ्लेवर का ही कस्टर्ड पाउडर डाला है। साथ में मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे, और आप ये देख सकते हैं इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ है, तो इसे हम अलग डिस्कार्ड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 1 कप दूध का, और पर उसे हम डालेंगे इसमें बैचेस में। तो सबसे पहले हम 1/2 कप दूध डालते हैं यहाँ पे। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये दूध के ऊपर काला काला क्या है, ये काला काला नहीं है दोस्तों, ये इसको मैंने ऑयल के कप में ही दूध ले लिया था, तो वो ऑयल है दूध के ऊपर। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे हम बार बार ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बाकी बचा हुआ दूध भी मैं डाल देती हूँ, और अच्छे से एक लम्प फ्री बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने कम सामान से आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, और ये केक बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो हमारा ये लम्प फ्री बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे हमारी टूटी फ्रूटी, जो हमने जिसको मैदे से कोट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप टूटी फ्रूटी ली है, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसे भी कट और फोल्ड के मेथड से इस तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसे इसी तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा ये केक का बैटर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, और अब हम इसे डालेंगे ग्रीस्ड मोल्ड में, जिसे हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। अब इसे हम इस तरीके से टैप कर लेंगे, और अब हम इसे भगोने में रख कर पकाएंगे।
तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए या जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। तो ऊपर से ये केक थोड़ा फीका फीका लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसे गार्निश करने के लिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और इसमें डाली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ही आप डालिए। तो हम इसे बिल्कुल धीमी आँच पर 35 से 40 मिनट के लिए पका लेंगे। और अगर आप ओवन में इसे बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में इसे 35 से 40 मिनट के लिए या 30 से 35 मिनट के लिए आप बेक कर सकते हैं। और बीच बीच में आप चेक करते रहें, 30 मिनट के बाद आपको चेक करते रहना है कि केक आपका हुआ है कि नहीं। तो अब हम लीड को कवर कर देंगे और इसे बेक करते हैं तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 35 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इसे खोल कर चेक करते हैं कि केक हमारा हुआ है कि नहीं। तो हम इसमें एक नाइफ इंसर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा केक पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल आई है, इसका मतलब हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। तो मुझे इसे पकाने में, बेक करने में 35 मिनट लगे हैं, आप 30 मिनट के बाद चेक करते रहें। तो अब हम केक को अच्छे से ठंडा हो गया है ये केक, आप जैसा कि देख सकते हैं इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें, उसके बाद ही इसे अनमोल्ड करें। तो ये बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो चुका है और ये कितना इवनली बेक हुआ है। और देख सकते हैं आप तले पे भी ये बिल्कुल स्टिक नहीं हुआ है। तो ये केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन इसमें जालियाँ बनी है और ये कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो है ना ये सच में दुनिया का सबसे आसान केक। मैं इसे काट कर भी आपको बताती हूँ इसका अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो ये जैसा देखने में है वैसा ही खाने में है, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी और बहुत ही झटपट से घर पे बन जाने वाली रेसिपी है दोस्तों। इसके लिए आपको किसी ओवन की या किसी फैंसी टूल की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको इसे अंदर से भी दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर कैसा है। और आप देख सकते हैं कि टूटी फ्रूटी कितनी इवनली स्प्रेड हुई है इस पर, ये बिल्कुल भी तले पे जाके बैठी नहीं है, बहुत अच्छे से फैली है हर तरफ। तो दोस्तों है ना बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।